इसका अगला अर्थात पांचवा छंद है, धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बेली, फूल सही कर ही काम कह केली, करिल केस बिसहर बिसहरे, लहरें ले ही कवल मुख धरे, नवल बसंत संवारी करी, होई प्रगट जानहु रस भरी, उठी कोंप जस दारिव दाखा, भई उनंत प्रेम कै साखा, सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पेट लय तारा, धनि सो नीर ससी तरई उई, अब कित दीठ कमल ओ कुई, चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो ना, एक चांद निसी सरग मह, दिन दूसर जल माह। इसके पूर्व जो हमने छंद पढ़ा था उसी छंद को आगे बढ़ाते हुए या उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जायसी ने यहाँ मानसरोवर के बीच सभी स्त्रियों के उतरकर स्नान करने का चित्र अंकित किया है। पूर्व के पद की भांति पद्मावती की सखियों के मानसरोवर में निरावरण स्नान करने वाले सौंदर्य की यहाँ सालंकारिक अभिव्यंजना अत्यंत उत्कृष्ट है। सर्वप्रथम हम शब्दों के अर्थ को देख लें। धरी तीर, धरी मैंने रखा, तीर मतलब किनारे पर, सब कंचुकी, कंचुकी मतलब अंगिया या ब्लाउज कहते हैं जिसे, सारी साड़ी, सरोवर मह सरोवर के बीच में, पैठी पैठी मतलब उतरना या प्रवेश करना, सब बारी मतलब सभी बारी बारी से सरोवर में प्रवेश करती हैं, पाई नीर जानो सब बेली, हुलस पाई नीर मतलब पाकर, नीर नीर मतलब जल, जानो जानो मतलब जानो या मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, सब बेली सभी बेली के समान खिल गई। जिस तरह बेली के फूल को अगर जल में आप डाल दें तो वह प्रफुल्लित हो जाता है, वह खिल जाता है और उसकी सुगंधि फैलती है, वही तुलना है यहाँ, उसी की उत्प्रेक्षा दी गई है। हुलसही, हुलसही मतलब उल्लसित होना, प्रसन्न होना, कर रही काम कह के ली, और कर रही है काम कह के ली मतलब आनंद और काम कड़ा, यानी एक दूसरे के साथ खेलना, जल में विहार करना, जल में आनंद करना। करिल केस, जो करिल केस मतलब जो काले केस हैं, बिसहर बिसहर मतलब सांप, विषैले सांप, बिसहरे विष को हरने वाले, तो जो केश है उसके लिए कहा गया है कि ये बिसहर हैं, यानी सांप के समान जल में तैर रहे हैं, लहरें ले ही कवल मुख धरे, लहरें मतलब लहर, कमल मतलब कमल, मुख धरे कमल के समान जो मुख है पद्मिनी का या नायिकाओं का, सारे केश उस कमल रूपी मुख से जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कमल से विविध प्रकार के सर्प अथवा सर्पणी जुड़ी हुई हैं जो कि फैल कर जल पर तैर रही हैं। नवल बसंत, नवल बसंत, नवल बसंत मतलब नया वसंत, संवारी करी, ऐसा लगता है कि कोई नया वसंत आ गया है। नया वसंत आना मतलब नए वसंत में नई तरह के जो फूल खिलते हैं वही फूल खिलने जैसी स्थिति है। होई प्रगट जानहु रस भरी, होई प्रगट माने प्रगट हो रही है, जानहु यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, रस भरी सब रस से भरे हुए फूल प्रफुल्लित हो गए हैं,
जल के भीतर तैरती हुई महिलाएं स्त्रियों के सौंदर्य का कवि चित्रण करता है, जो लगता है कि मानो वसंत ऋतु आ गई है और चारों तरफ कमल और विविध प्रकार के फूल खिल गए हैं। अगली पंक्ति है उठी कोप, कोप मतलब कोपल, नई जो पत्तियां आती हैं उसको कहते हैं कोपल। जस जैसे, उपालंकार है दारिव, दारिव मतलब दाड़िम या अनार, दाखा मतलब द्राक्षा या अंगूर। ऐसा लगता है कि अनार और अंगूर के वृक्षों पर, अंगूर की लताओं में नई पत्तियां आ गई हैं। भई उनंत प्रेम कै शाखा, और चारों तरफ प्रेम की शाखा, अर्थात ऐसा लग रहा है कि अनार अंगूर में नई कोपलें आई हैं और प्रेम की डाल। भई उन्नत मने झुक जाना, प्रेम के शाखा, प्रेम की ये जो शाखा है ये सब फलों से भरकर झुक गई है। सरोवर नहीं समाई संसारा, सरोवर इतना खुश है कि वो अपने खुशी को इस संसार में समा नहीं पा रहा है। चांद नहाई पेट ले तारा, चंद्रमा नहा रहा है किसको साथ में लेकर, तारों को, यानी पद्मावती चंद्रमा और उसकी सखियां तारा। धनी सो नीर शशि तरई उई, साथ में कवि कह रहा है यहाँ पे धनी मतलब धन्य, नीर का अर्थ जल जानते हैं, शशि, शशि का अर्थ चंद्रमा, तरई मतलब तारे, उई का अर्थ होता है उदित होना। ऐसा लगता है कि जल के भीतर तारे और चंद्र उदित हुए हैं। अब कित दीठ कमल और कुई, अब जल में यद्यपि कमल और कुमुदनी के दर्शन होते हैं लेकिन यहाँ कुछ विपरीत स्थिति हो गई है, जल में चांद और तारे हैं। चकई अर्थात चकवा पक्षी बिछुरी पुकारे, ये कवि प्रसिद्ध ही है कि साहित्य में यह प्रवाद है कि चकवा और चकुई रात को बिछड़ जाते हैं और दिन को वे एकत्रित हो जाते हैं, उनका वियोग खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ विपरीत स्थिति हो गई है कि चकवी पुकार रही है, चकवी बिछुरी पुकार है, चकवी बिछुड़कर पुकार रही है, कहाँ मिलो हो ना, चूंकि दिन में ही चांद और तारे नजर आ रहे हैं इसलिए उनका मिलना नहीं हो पा रहा है। कहाँ मिलो, कहाँ मिले हो ना, नाह मने नाथ, एक चांद निसी सरगम दिन दूसर जलमा, कि एक तो रात को चांद निकला था, निसी मने रात को, स्वर्ग स्वर्ग से आकाश से, अब दूसरा चांद जल से निकल आया है। शब्दार्थ के बाद हम लोग व्याख्या की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कवि ने किस प्रकार सरोवर के मध्य नहाती हुई सुंदरियों का चित्र अंकित किया है। कवि कहते हैं कि सभी नायिकाओं ने अपने वस्त्र मानसरोवर के किनारे पर रख दिए और सरोवर मह पैठी सब बारी, एक एक कर सबने सरोवर में प्रवेश कर लिया। पाई नीर जानो सब बेली, सारी जैसे जैसे जल में प्रवेश करती हैं वो इतनी प्रसन्न चित्त हो जाती हैं, आनंद मनाने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मुरझाया हुआ फूल जैसे जल को प्राप्त करके, कोई बेली जैसे जल को प्राप्त करके प्रफुल्लित हो जाती है, उसी तरह समस्त नायिकाएं वहां प्रफुल्लित हो गई हैं। हुलसा ही करही काम कह केली, वे बहुत प्रसन्न हैं और उल्लास के साथ विभिन्न तरह की काम क्रियाएं कर रही हैं और जल में तरह तरह के खेल खेल रही हैं, और यह दृश्य देखने में कैसा लगता है उसका चित्रण जायसी करते हुए कहते हैं कि उनके केश जल में जाने के बाद जल पर उतरा आए हैं, जल में वो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो कवि ने कल्पना की है, करिल केस काले ये जो लहराते हुए उनके केश हैं, बिसहर बिसहरे, वह ऐसा लगता है कि मानो विष से भरे हुए नाग हों जो जल पर तैर रहे हों लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे, क्यों, लहरे ले ही कमल मुख धरे, वो जल में लहर तो ले रहे हैं लेकिन उन सब का सबने
जो नायिका का मुख है, पद्मिनी का मुख है, वह जो कमल के समान है, मानो वह कमल रूपी मुख को पकड़े हुए हैं, अतः वह कहीं बहकर जा भी नहीं पा रहे हैं। एक सुंदर बिंब आपके सामने है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये जो सरोवर के भीतर इतनी सारी स्त्रियां नहा रही हैं, वह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि कोई नया वसंत संवारी करी, कोई नया वसंत अब सज गया है, हमारे समक्ष आ गया है। होई प्रकट जानहु रस भरी, और हमारे समक्ष रस से भरा हुआ ये तरह तरह की जो कलियां हैं खिल गई हैं, यानी जल के भीतर एक नया वसंत दिखाई दे रहा है। और उठी कोप जस दारिम दाखा, इन दो पौधों का नाम ले रहे हैं वो, एक है दारिम अनार और दूसरा द्राक्षा, ये इसका विशिष्ट अर्थ भी है। कहते हैं कि जल में ऐसा लग रहा है जैसे दारिम अनार और द्राक्षा के लताओं में, वृक्ष में नई नई कोपलें उग आ गई हैं, और भई उनंत प्रेम के शाखा, और उन फलों से, उन फूलों से लदकर जो प्रेम की डाली है वो झुक गई है। दिव्य चित्रण करने में जायसी का कोई जोर नहीं है। वो यहाँ कहते हैं कि ये जो सौंदर्य है तालाब का, सरोवर नहीं समाय संसारा, यह सरोवर जो है मानो सारे संसार को अपने में समाहित किए हुए है, या सरोवर इतना प्रसन्न है कि वो समस्त संसार को भी अपने में समाहित नहीं कर पा रहा है। चांद लहाई पेट ले तारा, ऐसा प्रतीत होता है मानो पद्मिनी रूपी चांद अपनी सखी रूपी तारों को लेकर सरोवर में स्नान करने चली आई हो। देखिए, एक विराट बिंब है, आकाश में चांद देखते हैं हम, आकाश में हम तारे देखते हैं, लेकिन कवि यहाँ उल्टी कल्पना कर रहा है कि आकाश में नहीं अपितु धरती पर चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। धनी सो नीर ससी तरई हुई, कह रहे हैं कि धन्य है वह नीर, यह जल मानसरोवर का जल धन्य है, जहाँ पद्मावती जैसी चंद्रमा और उसकी सखियों जैसी तारे उई मतलब उगी हुई हैं। इस धरती के जल में चांद और तारे उगे हुए हैं। अब कित दीठ कमल और कुई, जल में तो सामान्यतः कमल और कुई अर्थात कमल और कुमुदनी तैरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब वे कहाँ जाएंगी, क्योंकि आज तो धरती पर आकाश उतर आया है, आज तो चांद और तारे धरती पर उतर आए हैं। अगले दोहे में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से ये बताने की चेष्टा की है कि इस तरह के सौंदर्य को देखकर, इस तरह के प्राकृतिक परिवर्तन को देखकर, एक पक्षी जो रात को तो बिछड़ा रहता है, चकवा चकई दिन में मिलते हैं, लेकिन रात को तो चांद आता ही है, अगर दिन में भी ये चांद दिखने लगे तो वह व्याकुल हो उठता है। चकई बिछुरी पुकार, या बिछुरी ही जो चकई है वो पुकार उठती है, कहाँ मिलो होना कि हे नाथ। चकई जो है वो स्त्री है, और चकवा पक्षी जो है वो पुलिंग है, उससे वह पूछती है कहाँ मिलो होना कि अब हम कहाँ मिलेंगे, क्यों, क्योंकि दिन तो रही नहीं रहा है। एक चांद निसी सरग मा, रात के समय एक चांद तो सर्ग यानी आकाश में, स्वर्ग में दिखाई देता है, दूसर दिन दूसर जल मा, और दिन के समय हमें दूसरा चांद धरती पे जल के भीतर दिखाई दे रहा है, तो वह चिंतित है कि क्या हमारा मिलना न रात में हो पाएगा और न दिन में हो पाएगा, इस वजह से वह बेहद चिंतित और व्याकुल है। आप यहाँ देखेंगे कि कवि ने कई विराट उपमाओं के साथ इस स्नान करने की क्रीड़ा को चित्रित किया है, तालाब को सौभाग्यशाली सिद्ध किया है कि यह जो संसार में जो पद्मावती का सौंदर्य है वह सर्वत्र व्याप्त हो गया है। अब हम विशेष देखेंगे, यहाँ श्रृंगार का उद्दीपन विभाव प्रधान है, और ऐसा वर्णन प्रायः संस्कृत कवियों के द्वारा किया गया है, उद्दीप्त चीजों का वर्णन किया गया है। आप देखें, दूसरा हम इसमें विशेष के तौर पे कह सकते हैं कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से कवि ने तुलना करके वैभवपूर्ण चित्रण किया है सरोवर में स्नान करने का। भाषा अवधि है, छंद जैसा
अन्य दोहों अन्य छंदों में है, चौपाई और दुहा है, रस श्रृंगार रस है, और यहाँ वैभव का चित्रण है, इसलिए विशिष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि व्यापक सौंदर्य का चित्रण यहाँ कवि ने किया है, और विपरीत चीजें भी कई चित्रित की हैं। बहुत जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर जनु जैसे कह रहे हैं मानो कि ये सांप जो है वो केश जो है वो सांप हैं, मानो कि ये उठे कोंप जनु दारिव दाखा, जहाँ जनु मनु होगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जस होगा वहाँ उपमा अलंकार होता है, और भ्रांतिमान अलंकार है जब अंतिम जो पंक्ति के पहले अंतिम चौपाई में अब कित दृष्टि कमल और कुई कि अब भला कमल और कुई कहाँ दिखाई देंगी, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अंतिम पंक्ति में भी भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ पर चकवा परेशान है, चकई परेशान है कि अब रात को भी तो चंद्रमा था, दिन दोसर जल महत कि रात दिन को भी दूसरा चंद्रमा जल में उदित हो गया है, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। धन्यवाद।